जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि रस के प्रकार और रस को अलग अलग अकेले विस्तार से बताया है। और इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि रस किसे कहते हैं। उपन्यास, कहानी, कविता के पढ़ने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। कविता के रूप में जैसे शरीर में जो खून बहे, शरीर का खून जिसमें बहे वह नस है और काव्य की आत्मा ही रस है, अर्थात काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई भाव और संचारी भाव। संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव, संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव अस्थाई भाव कहलाता है। ये नौ माने जाते हैं। नंबर एक श्रृंगार, इसका अस्थाई भाव रति है। नंबर दो हास्य, इसका अस्थाई भाव हास्य है। नंबर तीन करुण, इसका अस्थाई भाव शोक है। नंबर चार रौद्र, क्रोध, इसका अस्थाई भाव क्रोध है। नंबर पाँच वीर, इसका अस्थाई भाव उत्साह है। नंबर छः भयानक, इसका अस्थाई भाव भय है। नंबर सात विभत्स, जुगुप्सा, इसका अस्थाई भाव है। विभत्स का जुगुप्सा अस्थाई भाव है। नंबर आठ अद्भुत, इसका अस्थाई भाव विषम्य है। नंबर नौ शांत, इसका अस्थाई भाव निर्वेद है। इसमें नवरस के बारे में हमने बताया है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।